गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर फिफ्थ फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फॉर क्लास टेंथ इंग्लिश। नेम ऑफ द चैप्टर इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट रिटन बाय एच जी वेल्स। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है। वो डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो ये खोज करता है कि अपने आप को कैसे अदृश्य बनाना है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, तो क्या वो अपनी खोज की यूज करता है या मिस यूज करता है। द टू बॉय स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के सरप्राइज के साथ अपना दिन की शुरुआत करते हैं, जो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देखते हैं। फ्रेश मीन्स होता है अभी अभी बने, मडी मीन्स होता कीचड़ से धसे हुए पाँव के निशान देखते हैं, नंगे पाँव के। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन। तो वो दोनों लड़के सोचते हैं कि लंदन में मिडल में एक हाउस के स्टेप के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर एक नंगे पाँव आदमी क्या कर रहा था, एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ पर था। एज द गेज्ड मीन्स होता लुक्ड अ रिमार्केबल साइट, मेट देयर आइज, रिमार्केबल मीन्स होता ब्यूटीफुल, तो उनकी आंखों के सामने एक ब्यूटीफुल दृश्य आया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, उनके सामने एक अभी ताज़ा बना हुआ पाँव का निशान आया, ये नहीं पता लेकिन कहाँ से। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, फिर उसके बाद एक के बाद एक पाँव के निशान आते हैं, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते स्टेप्स से, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स। प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है मूविंग, आगे स्ट्रीट में बढ़ते चले गए। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, लड़कों ने भी अट्रैक्टेड होकर फॉलो किया। अनटिल द मड इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो कीचड़ वाले चिन्ह इम्प्रिंट्स धुंधले और धुंधले नहीं हो गए, एंड एट द लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो एकदम अदृश्य हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, तो इस ये जो रहस्य था इसकी जो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है। द बेविल्डर्ड बॉय, बेविल्डर मीन्स होता सरप्राइज, बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो हैरान लड़के दोनों एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी ये चीज़ डिस्कवर की कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाना है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, तो उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, उसने एक आविष्कार के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया ये साबित करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टन रेयर ड्रग्स, आखिरकार उसने कुछ दुर्लभ सी औषधियों को निगल लिया, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी ऐसे ट्रांसपेरेंट होगी जैसे कि ग्लास की एक शीट। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, चाहे वैसे से वो ग्लास की तरह सॉलिड रही। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वाज रैदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो उसके कोई नियम कानून नहीं थे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, तो उसका जो मकान मालिक था उसको डिसलाइक करता था और उसको अपने घर से निकालना चाहता था। इजेक्ट का मतलब होता रिमूव करना चाहता। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, तो बदले में ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, तो वहाँ से बगैर दिखाई दिए बच निकलने के उसको अपने कपड़े निकालने थे। दज इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, इस प्रकार वो एक बेघर घूमने वाला हो गया, विदाउट क्लोथ बगैर कपड़ों के, विदाउट मनी बगैर पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल और बिल्कुल ही अदृश्य। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, यानी जब तक कि वो किसी कीचड़ में उसके पाँव के निशान नहीं आ गए, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, और चलते हुए उसने पाँव के निशान छोड़े। ही एस्केप्ड इजली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, वो आसानी से उन लड़कों से बच जाता जो उसके पाँव के निशान को लंदन में फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स फॉर बाय नो मींस ओवर, लेकिन उसके जो ये साहसिक कारनामे थे भी ख़त्म नहीं हुए। ही हैड चूजन बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन, उसने लंदन में घूमने के लिए एक बुरा समय चूज किया था, विदाउट क्लोथ, और वो भी बगैर कपड़े के। इट वॉज मिड विंटर, सर्दी का समय था।
द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। हवा बिल्कुल ठंडी थी और वो कपड़े के बगैर नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। लंदन की गलियों में चलने के बजाय उसने निश्चय किया कि वो लंदन के किसी स्टोर में गर्मी महसूस करने के लिए एंटर कर जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद करने का समय आया। एंड एज सून एज ही द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ। और जैसे ही दरवाजे बंद करने का समय आया, वो ग्रिफिन अपने आप को क्लोथिंग के और खाने का मजा दे सकता था विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बगैर किसी पैसे के खर्चे के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड स्टार्टेड हिमसेल्फ आउट विद फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उसने बॉक्सेस को तोड़ा, रैपर को तोड़ा और अपने आप को वार्म क्लोथ से फिटेड कर लिया, पहन लिए। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। जल्दी शूज के साथ, एक ओवरकोट के साथ, एक बड़ी सी हैट के साथ एक फुली ड्रेस और विजिबल पर्सन बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। रेस्टोरेंट की किचन में उसको कोल्ड मीट मिल गया, कॉफी मिल गया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। उसके बाद फिर उसने कॉफी के बाद मील लिया, भोजन लिया, स्वीट्स ली और फिर उसके बाद ग्रोसरी स्टोर से शराब पी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। इतना कुछ खाने के बाद फिर वो एक रजाई के ढेर पर, पाइल ऑफ द ढेर, उस पर लेट गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन समय पर जाग जाता तो सब कुछ ठीक होता है। इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप, जैसे कि यह था वो सही में समय पर नहीं जागा। अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक कि अगले सुबह असिस्टेंट नहीं पहुंच गए। व्हेन ही सॉ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड, जब उसने उनमें से दो को आते हुए देखा तो वो घबरा गया, डर गया एंड बिगेन टू रन, और दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, चेज मीन्स ऑफ द फॉलो, उन्होंने भी पीछे उसका पीछा गेन दैट ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। आखिरकार वो बच निकला वहाँ से जल्दी से, अपने जो नए कपड़े उसको पाए थे उनको रिमूव करके। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। दोबारा फिर उसने अपने आप को इनविजिबल पाया, लेकिन फिर विदाउट क्लोथ था जनवरी की चिल एयर में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। इस बार उसने एक नाटकीय कंपनी में अपने उसके स्टॉक को ट्राई करने की कोशिश करी, इस आशा से कि वहाँ पर ना उसको क्लोथ मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसी चीज़ भी मिल जाएगी जिससे वो अपने फेस को भी ढक सके, क्योंकि एक थिएट्रिकल कंपनी पर वहाँ पर नकली मूछें वगैरह, दाढ़ी वगैरह सब कुछ, मास्क वगैरह मिल जाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से कांपते हुए जल्दी से ड्रूरी लेन की तरफ गया। ड्रूरी लेन थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है, मतलब वहाँ पर थिएट्रिकल कंपनी है। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, उसको एक सूटेबल शॉप मिल गई। ही मेड इज वे इनविजिबल अपस्टेयर, वो इनविजिबल अपस्टेयर सीधा चला गया। सीढ़ियों से केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेज, और थोड़ी देर बाद आया जिसने बैंडेज पहन रखी थी राउंड इज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कस, नकली नाक पहना हुआ था, बड़ी बड़ी मुच्छे पहनी हुई था, लार्ज हैट। टू एस्केप विदाउट बींग सीन, वहाँ से बगैर दिखाई दिए बचने निकलने के लिए कॉलेसली अटैक था शॉपकीपर। कॉलेसली मीन्स होता क्रूली, उसने बड़े निर्दयता के साथ शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर दिया फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद फिर उसको लूट भी लिया जितना पैसा उसके पास था। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। क्राउडेड लंदन से बचने के लिए उसने एक ट्रेन पकड़ी आइपिंग विलेज के लिए। वेयर ही बुक टू रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पर उसने एक लोकल धर्मशाला में या सराय में दो रूम बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज इन एनी केस अनयूजुअल इवेंट। विंटर के समय में एक स्ट्रेंजर का वहाँ पर पहुँचना वह आमतौर पर एक साधारण सी घटना होती है।
अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट टंग्स वेगिंग, और वो भी एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसकी अपीयरेंस बिल्कुल अनकॉमन हो, उसने सब टंग्स को वेगिंग वेगिंग करने के लिए मजबूर कर दिया। वेगिंग का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना। मिसिज हाल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, तो उस इनके मालिक की जो पत्नी थी मिसिज हाल, उसने प्रत्येक एफर्ट किया फ्रेंडली होने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी बात करने की। उसको कहा माई रीजन कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि भी आईपिंग में आने का जो मेरा जो मेन रीजन है वो लोनलीनेस, अकेला रहना है। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और इसके अलावा एक दुर्घटना ने मेरे मूड को ऑफ कर रखा है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंटिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका जो गेस्ट है मेहमान है वो एक थोड़ा सनकी किस्म का वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस बात को देखते कि उसको एडवांस में पैसा मिल गया। मिसिज हाल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसिज हाल ने उसके स्ट्रेंज हैबिट को और उसके इरिटेबल टेम्पर को माफ करने का सोच लिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा देर तक नहीं रहा। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को मानना पड़ा कि उसके पास अब कैश नहीं। प्रिटेंडेड हावर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, लेकिन उसने दिखावा किया कि किसी विषय में उसका चेक आ सकता है। शॉर्टली आफ्टर वर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, उसके थोड़ी देर बाद एक एक्साइटेड सा इवेंट होता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज़ेस इन द स्टडी, सुबह जल्दी एक पादरी और उसकी पत्नी उनके स्टडी रूम में आवाज़ के द्वारा जा गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आते हुए दे हियर द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, उन्हें देखा कि क्लर्जी मैन के डेस्क से पैसे को ले जाया जा रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रास्प फर्मली, पोकर मीन्स होता रोड आयरन रोड इन द हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, बगैर शोर किए और लोहे की एक छड़ कठोरता से पकड़े हुए अपने हाथ में क्लर्जी मैन ने एकदम दरवाजे को खोला, सरेंडर और कहा कि आत्मसमर्पण कर दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग चैप्टर विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।